नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। मैं आज आपको पेन टूल का यूज़ करके किसी भी पिक्चर को, इमेज को हम ट्रेस कैसे कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको टिप्स दूंगा। मैंने एक ऑलरेडी इमेज यहाँ पे लोड करके रखी है इलस्ट्रेटर में। तो इलस्ट्रेटर में हम कैसे पेन टूल का यूज़ करके इसको ट्रेस कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आज आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा। इस इमेज को हम पूरा ट्रेस करेंगे और फिर इसमें हम कैसे इजीली कलर फिल कर सकते हैं, कैसे थोड़ा बहुत शेडिंग दे सकते हैं। तो शॉर्ट में मैं आज आपको बताऊंगा कि पेन टूल से कैसे ट्रेसिंग हो सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम पेन टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से भी आप पेन टूल ले सकते हैं, शॉर्टकट इसका पी है। जूम करने के लिए यहाँ से आप जूम टूल ले लीजिए। हाँ, सबसे पहले आपको नया लेयर सेलेक्ट करना है। जिस इमेज को, जिस स्केच को आपको ट्रेस करना है उसको आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं। नया लेयर यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, पेन टूल सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे एक क्लिक करना है, एक क्लिक यहाँ पे करना है और थर्ड क्लिक यहाँ पे करना है। फिर आप एस्केप दबा के भी आप कैंसिल कर सकते हो। यहाँ से फिर आपको एंकर पॉइंट टूल लेना है, शॉर्टकट उसका शिफ्ट सी है। यहाँ से फिर आप इसको क्लिक एंड ड्रैग करके राउंड शेप में इसको कन्वर्ट आप कर सकते हैं। अगर आपको पेन टूल नहीं आता है तो मैंने इससे आगे की वीडियो में पेन टूल के बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ या तो फिर यहाँ ऊपर भी रख देता हूँ, वहाँ से आप पेन टूल के बारे में जान सकते हो। तो यहाँ से पेन टूल लेके फिर आप इसको यहाँ से कर्व शेप दे सकते हो। जैसे मेरा माउस इस पाथ के ऊपर, इस लाइन के ऊपर ओवरले हो रहा है तो आर्क का सिंबल आ जाता है, तो यहाँ से आप इसको आर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी फिल कलर वाइट है तो यहाँ से इसको आप निकाल दीजिए, नन कर दीजिए। फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नाइस, यहाँ पे हमारा शेप जो है वो हो गया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल आर्क में बन। इसी मेथड से हमें पूरा तरह से पूरा प्रोसेस करते जाइए। तो आप पेन टूल के थ्रू इमेज को बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेस कर सकते हैं। हाँ, एस्केप दबा के पेन टूल की जो कंटिन्यूटी है उसको आपको कैंसिल करना है, फिर पेन टूल सेलेक्ट करना है, फिर एक क्लिक यहाँ पे करेंगे, एक क्लिक यहाँ पे करेंगे, एक क्लिक यहाँ पे करेंगे और एक क्लिक यहाँ पे करेंगे। फिर यहाँ से शिफ्ट सी प्रेस करना है, फिर यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, क्लिक एंड ड्रैग करना है, क्लिक एंड ड्रैग करना है। जैसा आपको शेप बनाना वैसा आप बना सकते हैं। पेन टूल लेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक क्लिक यहाँ पे करेंगे, एक क्लिक यहाँ पे करेंगे, एस्केप दबाएंगे, फिर से आर्क लेंगे, यहाँ से एंकर पॉइंट टूल लेंगे और यहाँ से इसको आर्क कर देंगे, आर्क कर देंगे। यही पूरी जो प्रोसेस है आपको कंटिन्यू करते जाना है। मैंने ये पूरी प्रोसेस आपके लिए करके रखी है, सिर्फ आपको सिखाने के लिए ये मैंने इतना पोर्शन बताया था। तो वो जो मैंने फाइल पूरी यहाँ पे करके रखी वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ।
ये पूरी फाइल जो है मैंने ये करके रखी है आपके लिए, पूरा पेन टूल से मैंने यहाँ पे इसको सेम बनाया हुआ है, टेम्पलेट में कन्वर्ट किया है और यहाँ पे पूरे पाथ बनाए हुए हैं सबको। मैंने राउंड भी ऑलमोस्ट कर दिया है सबको, आप देख सकते हो। ये पूरा मैंने इसका भी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी मैं आपके लिए रख दूँगा अगर आपको चाहिए तो। पूरे पाथ को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से बंद करके चालू करके मैं देख लूँगा लेयर को कौन कौन सा पोर्शन बाकी है। यहाँ का जो ये पोर्शन है वो बाकी है और आई का पोर्शन बाकी है। फिर से पेन टूल लेंगे,
एक क्लिक यहाँ पे करेंगे, एक क्लिक यहाँ पे, एक क्लिक यहाँ पे, फिर यहाँ से एंकर पॉइंट टूल लेंगे, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग। आपको याद होना चाहिए ये जो मेरी सीरीज़ है वो पूरी बिगिनर के लिए है, जिसको इलस्ट्रेटर क्या है, पेन टूल क्या है उसके बारे में पता नहीं उनके लिए ही है। तो जिनको थोड़ा बहुत भी इलस्ट्रेटर आता है, पेन टूल आता है, उनको ये बहुत ही बोरिंग लगेगा, तो आप मत देखिए। जो बिगिनर है जिसको पता ही नहीं है कि एग्जैक्ट पेन टूल से होता क्या है, ट्रेसिंग इमेज का कैसे करते हैं, उनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। जिनको आता है उसमें उनको ये बहुत ही बोरिंग लगेगा, तो मैं जिनको आता है उनको ये सजेस्ट करूँगा कि ये वीडियो आप मत देखें। ये उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है कि कैसे पेन टूल का यूज़ करें, कैसे इमेज को ट्रेस करें, स्केच का यूज़ कैसे करें, पेन टूल का प्रॉपर यूज़ कैसे करें। तो उनके लिए है ये सिंपल सा मेथड है, पेन टूल से आप ड्रॉ करते जाओ और एंकर पॉइंट जो टूल है उसका यूज़ करके आप उसको राउंड शेप देते जाओ, यही मेथड है पूरी सिंपल। आपको क्लिक क्लिक करते जाना है, एक्सेप्ट दबा के आपको पेन टूल की कंटिन्यूटी को कैंसिल करना है, फिर एंकर पॉइंट टूल लेके उसको आर्क में कन्वर्ट करना है। तो मैंने पूरा बनाया हुआ है, यहाँ से एन टूल ले लेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, एक क्लिक यहाँ पे करेंगे, एक क्लिक यहाँ पे करेंगे, एक क्लिक यहाँ पे करेंगे, एंकर पॉइंट टूल लेंगे, फिर से इसको राउंड शेप में कन्वर्ट करेंगे। पूरे पाथ को सिलेक्ट करके देखेंगे कौन सा पोर्शन रह गया है, ये वाला पोर्शन बाकी है, पेन टूल लूंगा मैं, एक क्लिक यहाँ पे करेंगे, एक क्लिक यहाँ पे करेंगे, एक्सेप्ट दबाएंगे, एंकर पॉइंट टूल लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ में जाएंगे, यहाँ से दे देंगे जॉइन, सारे पाथ जो है मेरे जॉइन हो गए, लेकिन हमें जॉइन नहीं करना है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, नीचे का जो टेम्पलेट लेयर है उसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक पोर्शन बाकी है, पेन टूल लेंगे, एक क्लिक में यहाँ पे करूँगा, एक यहाँ पे करूँगा, जितना हो सके उतना परफेक्ट कीजिए तो परफेक्ट होगा, थोड़ा बोरिंग लगेगा पर जब होगा तब बहुत ही अच्छा दिखेगा। इस तरह से आप पूरा इमेज को, पूरी स्केच को आप स्ट्रेच कर सकते हो, ट्रेस कर सकते हो, सॉरी।
मैंने कॉपी कर दिया, जो मैंने इंकिंग किया है, जो भी पाथ मैंने ट्रेसिस किया उसको मैंने कॉपी कर दिया, एक नया लेयर लूँगा और उसमें पेस्ट करूँगा। पेस्ट इन प्लेस होना चाहिए उसी जगह पे, उसका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल वी। नीचे का लेयर जो उसको हम बंद करेंगे, इसको लॉक कर देंगे, ऊपर के लेयर को सेलेक्ट करेंगे, एडिट पेस्ट इन प्लेस, ये हमारा इंकिंग का काम हो गया है। अब हम इसमें कलर फिल करेंगे इसी प्रोसेस से। यहाँ पे ले लूँगा मैं इसको, आर्ट बोर्ड टूल के बारे में मैंने अब तक बताया नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूँ। आर्ट बोर्ड टूल जो है एक नया आर्ट बोर्ड आप ले सकते हैं यहाँ से। ये इंकिंग मैंने किया है, अब इसके ऊपर हम कलर करेंगे। अब हम जो हमारा स्ट्रोक है, स्ट्रोक को हम सेट करेंगे। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में यहाँ पे आएगा स्ट्रोक, स्ट्रोक में साइज देंगे 5 पॉइंट। 5 पॉइंट देने के बाद यहाँ विंडो में, अगर आपका स्ट्रोक पैनल नहीं है तो आप विंडो में जाके यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। डबल क्लिक करें तो पूरा प्रॉपर्टी पैनल आ जाएगा। यहाँ कॉर्नर कैसे रखने हैं, राउंड रखने हैं, मीटर जॉइंट रखने हैं, और यहाँ से प्रोफाइल आपको कौन सा रखना है। हम यहाँ से विथ प्रोफाइल रखेंगे, यहाँ से साइज रखनी है 0.5, और यहाँ से लेना है विथ टूल। विथ टूल ले लेंगे, शॉर्टकट है उसका शिफ्ट W। और अब जहाँ जहाँ पे आपको इसका विथ कम करना है, ज़्यादा करना है, यहाँ से आप कर सकते हैं, कम करना है, ज़्यादा करना है। कहीं पे अगर आपको लाइन पतला रखना है, कहीं पे आपको कम रखना है, तो आप डायरेक्ट विड्थ टूल का यूज़ करके आप कर सकते हैं। कहीं कहीं पे लाइनें जो बाहर आ रही है हमारे स्ट्रोक की, उसको भी हम इरेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। आपको पता है कहाँ से करना है, स्मूथ करना है कोई स्ट्रोक, तो आप स्मूथ टूल का यूज़ कर सकते हैं उसको स्मूथ करने के लिए। कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि ये परफेक्ट नहीं है, स्मूथ थोड़ा करना है, तो आप स्मूथ टूल का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल ये दबाएंगे तो आप पूरे जो हमारे स्ट्रोक है एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल ये, स्ट्रोक को हमने यहाँ पे इसका विथ हमने सेट कर दिया है 3 का,
और उसका जो प्रोफाइल है वो हमने सेट कर दिया है, विथ प्रोफाइल वन सेट की हमने स्ट्रोक की। अब हम यहाँ से एक उसका दूसरा कॉपी ले लेंगे आर्टबोर्ड टूल का, यहाँ से ऑल्टर प्रेस करेंगे, आर्टबोर्ड को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी ले लेंगे। और यहाँ पे मैं इसको स्ट्रोक को सिलेक्ट करूँगा, और स्ट्रोक को सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें अब कलर फिल करेंगे। आपको एक बार सब कुछ चेक कर लेना है कि कहीं पे आपको जहाँ पे कलर ऐड करना है वो कोई ऑप्शन ओपन ना रह गया हो आपका, वरना पूरे में कलर आ जाएगा जैसे अभी यहाँ पे है। ठीक है, तो एक बार आप चेक कर लीजिए पूरा। उसके बाद सिलेक्शन टूल लेना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ से हमें जो टूल यूज़ करना है वो लाइव पेंट टूल यूज़ करना है। तो पहले इसको हम लाइव पेंट को अनेबल कर देंगे, शॉर्टकट इसका ऑल्टर कंट्रोल एक्स है। जो है ये हमारा लाइव पेंट जो टूल है वो एक्टिव हो गया है। यहाँ पे जाएंगे शेप बिल्डर टूल जो है उसके नीचे एग्जिट आएगा लाइव पेंट बकेट, शॉर्टकट उसका के है। ऐसे आप कलर प्रोफाइल भी सेट कर सकते हैं कलर गाइड में जाके, कौन से कलर का आपको कलर यूज़ करना है। तो जो आप कलर सेलेक्ट करेंगे वो कलर आएंगे यहाँ से, इस तरह का कुछ कलर ऐड करना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। सो लाइव पेंट बकेट टूल सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गए, लाइव पेंट में जाके मैक कर देना है। अभी आप देख रहे हैं ये मेरा जो टूल है वो एक्टिव हो गया है। यहाँ से आप कलर में जाके कभी भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कलर ऐड करना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे कलर आ गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे भी आपको कलर ऐड करना है वो आप कर सकते हो। कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, कलर प्लेट भी आप यहाँ से ले सकते हैं। कौन सा कलर यूज़ करना है वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। जूम टूल ले लेंगे, यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेंगे, क्लिक करेंगे, लाइव पेंट बकेट टूल लेंगे, लाइव पेंट बकेट टूल में यहाँ पे कलर ऐड कर दूंगा जहाँ पे मुझे लाइट कलर रखना है। आई ड्रॉपर टूल लूंगा, यहाँ से कलर पिक करूंगा, यहाँ से लाइव पेंट बकेट टूल यूज करूंगा और फिर मैं इसके अंदर कलर ऐड कर दूंगा।